दोस्तों आप सभी का किसी न किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट तो जरूर होगा जिसमें आप सभी अपनी सेविंग करते होंगे। आज बैंक हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और अब इसलिए लोग अपने घर में कैश रखने के बजाय बैंक में पैसे जमा करते हैं। बैंकों में आपका पैसा चोरी होने का डर नहीं रहता है और उनके चलने फटने कटने इस तरह का खतरा भी नहीं रहता है। और आज आप बैंकों की मदद से ऑनलाइन किसी भी चीज का पेमेंट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इस पैसे को जब चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो बैंक होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं, तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक कितने तरह के होते हैं और वो क्या काम करते हैं जिससे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उन बैंकों में अपने काम करा सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सेंट्रल बैंक। दोस्तों सेंट्रल बैंकों का काम दूसरे बैंकों के साथ होता है और जो सेंट्रल बैंक होता है वो दूसरे बैंकों से कम ब्याज पर पैसे लेता है जबकि दूसरे बैंकों को ज्यादा ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जैसे कि भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया इस तरह के बैंकों को लोन देता है। यानी कि इस बैंक का काम सिर्फ बैंकों के साथ ही होता है, साथ ही ये सभी बैंकों पर नजर भी रखता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर देश में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में जितने भी बैंक हैं उन सभी का कर्ता धर्ता भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नंबर 2, रिटेल बैंक। दोस्तों इन बैंकों को आम आदमी का बैंक कहा जाता है और इन बैंकों में पैसे जमा करना, पैसे निकालना और लोन लेना इस तरह के बेसिक काम किए जाते हैं। और दोस्तों आप अपने शहर में अपने आसपास जो बैंक देखते हैं वो रिटेल बैंक ही होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक वगैरह वगैरह। कमर्शियल बैंक। दोस्तों जो कमर्शियल बैंक होते हैं उन बैंकों का काम रिटेल बैंकों की तरह ही होता है, लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनका नाता सिर्फ बिजनेस सेक्टर से होता है और ये छोटे बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ डील करते हैं। ये उनके पैसे जमा रखते हैं और उन्हें लोन या उधार देते हैं। और बता दो कि ये सिर्फ संस्थान के लिए होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक को सहकारी बैंक भी कहा जाता है, लेकिन इन बैंक का मालिकाना हक किसी दूसरी संस्थान के पास होता है। ये सहकारी बैंक होते हैं लेकिन इसमें भी कई तरह के सहकारी बैंक होते हैं जैसे कि राज्य सहकारी और ग्रामीण सहकारी वगैरह। और बता दूं कि सहकारी बैंकों की ब्याज दर कमर्शियल बैंकों की तुलना में ज्यादा रहती है, लेकिन ये सहकारी बैंक कमर्शियल या रिटेल बैंक की तुलना में कई तरह की बैंकिंग सेवाएं देने की क्षमता कम होती है। अगला है शैडो बैंक। दोस्तों इस तरह के बैंकों को आप बैंक भी कह सकते हैं और नहीं भी। दरअसल ये किसी बैंक के नीचे होते हैं और ये दूसरे बैंकों से पैसे लेते हैं और आम इंसान को लोन देते हैं। वैसे ये एक कंपनी की तरह काम करते हैं। इसमें DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट और चेक वगैरह नहीं होते, यानी कि ये बैंक का एक छोटा सा रूप होते हैं जहां पर आप पैसे जमा कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। लेकिन इस बैंक के कई अलग नियम होते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक भी होते हैं, लेकिन इनका आम इंसान से नाता ना के बराबर होता है। साथ ही आपने कभी ना कभी वर्ल्ड बैंक का नाम भी सुना होगा, और जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम करता है। वैसे आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग और रिसर्च प्रदान करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को बैंकों से जुड़ा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वैसे दोस्तों क्या आप सभी इन बैंकों के बारे में पहले से जानते थे, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।